Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello student, today I am going to start maths of class 5th English medium and unit 2 exercise 1. So first question is add the following. तो हमें add करना आप सभी को आता है, ठीक। तो दोनों नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे और add कर लेंगे। एडिशन के बाद सेकंड नंबर है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड चेक द आंसर। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर तीन चीज़ आती हैं। फर्स्ट इज माइनंट एंड सब्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस। तो जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे माइनंट कहते हैं, और जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसे सब्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो आंसर आता है वो डिफरेंस होता है। तो हमें डिफरेंस का आंसर चेक करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू माइनंट। तो डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमारा माइनंट आ रहा है, मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंस और सब्ट्रैक्ट को ऐड किया, तो ऐड करने पर हमारा क्या है 4572 9025, जो कि हमारा क्या है, माइनंट है, मीन्स हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डी नंबर। डी भी सेम है, डी को मैंने सॉल्व कर दिया है। आप सभी ऐप पर इस वर्कशीट को देख कर सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद थ्री नंबर में हम लोग आते हैं, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो माइनस का है, तो यहाँ पर कैसे करना है ये हम आप सभी को समझना है। देखिए, हमें सेवन में से एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि आंसर आना चाहिए फोर। तो सेवन से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि फोर आएगा, तो सेवन में से जब हम थ्री माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा फोर। अब यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, तो एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है जिसमें से फोर माइनस करने पर नाइन आए। तो हम क्या करेंगे, नाइन और फोर को ऐड करेंगे। नाइन प्लस फोर क्या होता है, थर्टीन। थर्टीन का यहाँ पर थ्री लिखेंगे, तो थ्री जब होगा तो यहाँ से एक कैरी लेंगे तो थर्टीन आएगा, और थर्टीन में से फोर माइनस करेंगे तो नाइन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेवन। अब सेवन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एट आ जाए, फिर वही हम करेंगे, सेवन और एट को ऐड करेंगे तो कितना आता है, फिफ्टीन। तो सेवन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एट आ जाए, तो सेवन है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे सेवनटीन। सेवनटीन में से क्या एट, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एट आ जाए, तो सेवनटीन में से हम नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एट। सेवनटीन में से नाइन, एट आएगा। फिर यहाँ से एक कैरी लिया था, तो यहाँ पर एट जीरो लाना है, तो एट में से एट सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स यहाँ पर एट होना चाहिए और एक कैरी गया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, नाइन। इसके बाद सिक्स में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि नाइन आया, तो सिक्स में से सब्ट्रैक्ट करने पर नाइन नहीं आएगा, तो हमें क्या यहाँ पर करना होगा, सिक्सटीन। तो सिक्सटीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट, सिक्सटीन में से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो नाइन आ जाए, तो सिक्सटीन में से ये नाइन सब्ट्रैक्ट करो तो ये नंबर आ जाएगा। तो सिक्सटीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिक्स सेवन एट नाइन, सेवन। सिक्सटीन में से हम सेवन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाइन आएगा। यहाँ से कैरी लिया था, फिर से वही आता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम फाइव माइनस करेंगे तो एट आएगा, तो एट और फाइव को ऐड करेंगे तो आएगा थर्टीन, और एक कैरी भी गया था तो यहाँ पर फोर्टीन। फोर्टीन मीन्स क्या होता है, फोर। फिर फोर के बाद यहाँ से एक कैरी गया होगा, तो फाइव में से वन जाएगा, यहाँ पर फोर बचेगा, और फोर में से टू जाएगा, टू, मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। इसके बाद बी नंबर मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है, जैसे कि टू, टू में हम क्या ऐड करें कि वन आ जाए, तो टू में हम कुछ भी ऐड करें तो वन तो कभी नहीं आएगा, तो हमें क्या लाना होगा, इलेवन लाना होगा। तो टू में नाइन ऐड करेंगे तो इलेवन, वन, वन के बाद कैरी। एट प्लस थ्री कितना हो जाएगा, इलेवन प्लस वन, ट्वेल्व का टू कैरी वन, एज इट इज सेम, ऐसे ही हम सब सॉल्व करेंगे और समझेंगे सही से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर है फोर। फोर का ए नंबर है, आ टाउन हैड अ पॉपुलेशन ऑफ इतने नंबर ऑफ पीपल एंड इतने पीपल केम फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। किसी भी टाउन में इतने पीपल्स थे और नेबरिंग मीन्स पड़ोसी स्टेट से कुछ पीपल आ गए, तो व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। तो और नेबरिंग स्टेट से पीपल आए हुए मीन्स और ज्यादा हो गए, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐड करना है, तो हम दोनों पॉपुलेशन को ऐड कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद डी नंबर, इन अ फूड ग्रेन गोडाउन 898820 बैग्स ऑफ व्हीट, अनाज के इतने बैग्स क्या है, स्टोर हैं, और रैट्स एट, चूहों ने 272 बैग्स खा लिए, ईट, एंड रेन स्पॉइल्ड, और बारिश की वजह से
1975 बैग्स स्पॉइल्ड हो गए, मींस खराब हो गए। हाउ मेनी वीट बैग्स आर प्रेजेंट इन द गोडाउन, तो गोडाउन में कितने बैग्स प्रेजेंट थे ये हमें देखना है। तो इतने थे और जितने खराब हो गए पहले हम उनको ऐड करेंगे, तो रैट ने इतने खाए और स्पॉइल इतने हो गए तो पहले हम इन्हें ऐड करेंगे। तो जो टोटल वेस्ट बैग है वो हमारा आया है 2247 बैग्स, मींस 2247 बैग्स हमारे खराब हो चुके हैं। तो हमें प्रेजेंट बैग निकालना है, तो जो सही टोटल बैग में से हम खराब वाले बैग वेस्ट बैग क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 898593 बैग्स। इसके बाद फोर का एफ नंबर, एफ में लिखा हुआ है अनीस हैड इतने रुपीज इन अ बैंक, अनीस के पास इतने रुपए थे, ही विड्रॉ इतने रुपए उसने क्या कर लिए निकाल लिए फॉर परचेज कुछ खरीदने के लिए, नेक्स्ट मंथ उसने 79,500 फिर से डिपॉजिट कर दिए, व्हाट इज द प्रेजेंट बैलेंस, तो अब अनीस का जो बैलेंस है वो कितना है। तो अनीस के पास इतने रुपए थे, कितने थे 9,87,500 रुपीज, उतने उसने 1,25,600 रुपीज विड्रॉ कर लिए निकाल लिए, तो हम इसको क्या करेंगे अपने बैलेंस में से माइनस करेंगे, फिर अगेन डिपॉजिट किया तो हम उसे ऐड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पहले हमने माइनस किया फिर ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया। इसके बाद एक्सरसाइज वन आप सभी की कंप्लीट होती है, तो वन का बीसी और टू का बीसी और फोर का बीसीईजी मैथ्स एसडब्ल्यू रजिस्टर में करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज टू का रिमेनिंग पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्या था, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द आंसर। वेरीफाई करने के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला यूज करना है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है 679435 में 168 से डिवाइड करना है, तो 168 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे 168 से ग्रेटर नंबर होना चाहिए, तो वो क्या है 679, तो हम थ्री डिजिट लेंगे। वन से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, हमें 168 का तो टेबल आता नहीं है, तो हम यहाँ से वंस और टेंस रिमूव कर देंगे, वंस रिमूव कर देंगे 16 का टेबल तो आता ही है, 16 का टेबल पढ़ेंगे, तो उसी तरीके से हम यहाँ से 9 रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा 67, तो 16 का टेबल पढ़ना है 67 से ज्यादा ना जाए। 16 फोर जा कितना होता है 64, तो 4 टाइम्स आ रहा है 64, और 16 फाइव जा करेंगे तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 168 में तो 672 आएगा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, ठीक है, फिर 7 में से 7 जाएगा तो 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, फिर उसके बाद हम 4 नोट करेंगे तो 74 आता है, 74 168 से क्या है बहुत ही छोटा नंबर है, तो उसके लिए हम एक डिजिट और नोट करेंगे तो हम यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। इसके बाद 672 में से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 7, फिर 3 ऐड करें, इसी तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड आप सभी को आता है। ये क्या है क्वेश्चन और रिमाइंडर कितना है 147, अब हमें क्या करना है इसे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, तो क्वेश्चन हमारा कितना आया था 40441 इंटू डिविजर कितना है 168 एंड रिमाइंडर कितना है 147, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 147 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6794235। तो ये क्या है हमारा डिविडेंड और ये हमारे डिविडेंड के इक्वल आ रहा है 6794 3, यहाँ पर 2 है 235, तो हमारा मीन्स ये डिवाइड क्या है सही। इसी तरीके मैंने डी सॉल्व किया है जिसे आप सभी को देखना है समझना है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर में आते हैं जी नंबर, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पहले 2 टाइम्स आएगा 10 टू 20 3 रिमेनिंग बचेगा, फिर 4 नोट कर लेंगे, फिर 3 टाइम्स आएगा 10 थ्री 30, इसी तरीके से हम पूरा डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है 2345 और रिमाइंडर आता है 6, फिर से वेरीफाई करना है तो क्वेश्चन इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन कितना आया 2345 इंटू डिविजर कितना है 10 प्लस 6, जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं हम एक 0 ऐड कर देते हैं प्लस का 6 ऐड किया तो ये हमारा डिविडेंड आएगा, मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है जो सोल्यूशन है वो हमारा क्या है सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ई नंबर, ई में क्या किया गया है 1000 से डिवाइड किया गया है, देख लेंगे आप देख लेंगे और समझ लेना। इसके बाद आई नंबर में 150 से डिवाइड करना है, फिर से वही हमें 150 का तो टेबल नहीं आता है ना, 150 का हम डिवाइड करेंगे तो 3 डिजिट लेंगे 528, तो यहाँ से हम वंस को रिमूव करेंगे तो बचेगा 15, यहाँ से 8 में वंस को रिमूव करेंगे तो बचेगा 52, तो 15 का टेबल पढ़ना है कि 52 से ज्यादा ना जाए, तो कितने बार जाएगा 15 फोर जा कितना होता है 60, 4 टाइम ज्यादा जा रहा है तो कितने बार ले जाओगे 3 बार, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ पर क्या आएगा 4 में से 4 कैंसिल या 0, इसके बाद 8,
एक एक डिजिट नोट करेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, 0, 450 आएगा ना, 150 में मल्टीप्लाई करना है। फिर 5 नोट करेंगे, फिर से 15 का टेबल पढ़ेंगे हम, 78 से ज्यादा ना जाए, तो 15 5 जा कितना होता है 60, 15 5 जा कितना होता है 7, 15 6 जा, 15 5 जा 75, 15 4 जा होता है 60, तो 15 5 जा 75 तो 5 टाइम्स आएगा 750, यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ पर 3, इसके बाद 6 नोट करेंगे। अब कितने बार जाएगा, 15 2 जा कितना होता है 30, 15 3 जा 45, तो 45 तो ज्यादा है, यहाँ 35 है, तो 15 2 जा 30 मतलब 300, तो यहाँ पर कितना आएगा 56, तो ये 56 हमारा क्या है रिमाइंडर है। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम वही फॉर्मूला नोट करेंगे, और फॉर्मूला क्या है, क्वेसेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, तो क्वेसेंट हमारा कितना है 352 इंटू डिविजर कितना है 150 प्लस का रिमाइंडर, हम इसको सॉल्व करें और रिमाइंडर हमारा कितना आया 56, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा डिविडेंड 52856, जिसे आप सभी को सॉल्व करके देखना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा डिवाइड क्या है सही है। उसके बाद 6 नंबर में हम आते हैं, फाइंड द मिसिंग डिजिट। यहाँ पर एक नंबर फिल करना था कि इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है, तो 257 से हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2578 से, तो हमारा आंसर आएगा 257। इसी तरीके से 9 नंबर, 9 में डिविजर हमें निकालना है, डिविडेंड क्वेसेंट और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल्स टू क्वेसेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर, सारी वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2 का 11 पार्ट में क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टेडियम हैज अ कैपेसिटी ऑफ 96,600 पीपल एंड देयर आर 60 रोज, हाउ मेनी पीपल कैन सीट इन अ रो। एक रो की हमें वैल्यू निकालनी है और 60 रो की वैल्यू दी हुई है, मीन्स 60 रो में इतने पीपल बैठते हैं, तो एक रो में कितने पीपल बैठेंगे, तो हमें ज्यादा की वैल्यू दी हुई है और 1 की वैल्यू कभी भी निकालना है तो डिवाइड करना है, 1 की वैल्यू दी हुई है, मोर की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना है, तो 60 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1610 पीपल। इसके बाद सी नंबर, देयर आर 53,750 ऑरेंजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2,235 स्टूडेंट। हमें इतने ऑरेंजेस को इतने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है और निकालना है कि ईच स्टूडेंट गेट, मतलब ईच स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस मिले, तो हमें ईच का निकालना है मीन्स 1 का निकालना है और मोर का दिया हुआ है, फिर से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर 24 ऑरेंजेस आ रहे हैं, तो क्वेसेंट आ रहा है 24 और रिमाइंडर आ रहा है 110, तो 24 ऑरेंजेस सभी को मिले और 110 ऑरेंजेस क्या हो गए हैं रिमेनिंग हो गए हैं, मीन्स लेफ्ट ऑरेंजेस हो गए हैं, बच गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बी सी एफ एच और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 11 का बी, आप सभी को मैथ एस डब्ल्यू में करना है और वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइड करना है, 11 के बी में भी डिवाइड करना है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फॉर्मूला से सॉल्व होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डी मैथ रूल। डी मैथ रूल क्या है इसको हम समझते हैं, डी मीन्स होता है डिविजन, एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स होता है एडिशन, एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, तो जब कभी भी हम सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे डिवाइड, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्ट, सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एड दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है एंड सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 125 में 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 आएगा, 5 टाइम्स आएगा, तो 5 इसकी जगह लिखेंगे इंटू 26 माइनस का 127। डिवाइड के बाद अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 से 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा कितना होता है 30 कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 कितना होता है 13, तो 130 आएगा, 302 प्लस 130 माइनस 127, अब क्या हुआ डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई हो गया, यानी डी एम तक हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद ए ए मीन्स हमें ऐड करना है, एडिशन करना है, तो 302 और 130 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2, 3, 3 और 1, 4, 432 माइनस 127। अब लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5, फिर यहाँ पे 2, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर
फोर, फोर में से वन जाएगा थ्री, तो आंसर हमारा आया 305। इसके बाद सी नंबर मैंने सॉल्व कर दिया है, वैसे ही किया है, 13 से डिवाइड करेंगे तो 169 में तो 13 आया, फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर इज सेकंड नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइव फैमिली मेंबर की हाइट दी हुई है और हमें एवरेज हाइट निकालना है। एवरेज का मतलब होता है जो भी नंबर दिया है, जो भी डाटा दिया है, उसे ऐड करना है, मींस ऊपर सम ऑफ आएगा, सम आएगा, और नीचे टोटल नंबर, कितने डाटा दिए हुए हैं, तो सम ऑफ हाइट, नीचे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हाइट को हमने सम किया, टोटल कितनी हाइट दी हुई है, फाइव, फाइव से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज हाइट आगे आ जाएगा। सेम थ्री है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं होते हैं। 10 के लिए हम पहले फर्स्ट 10 ऑड नंबर ले लेंगे, तो क्या है फर्स्ट 10 ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। फिर इसका एवरेज निकालना है, जो सबको ऐड करेंगे और 10 नंबर है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ऐड करने पर 100 आया, 10 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या है 10। इसके बाद नेक्स्ट फोर नंबर पे हम बढ़ते हैं। फोर नंबर में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, सॉल्व द फॉलोइंग एंड फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड आंसर। हमें दो तरह से आंसर निकालना है, एक एक्चुअल जैसे हम सॉल्व करते हैं, एक एस्टिमेटेड मीन्स होता है जैसे हमने राउंडेड ऑफ पढ़ाया था उसका यूज करके हमें एक एस्टिमेटेड आंसर निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 15,787 ट्रीज इन अ फॉरेस्ट एंड 1,635 वर कट। किसी फॉरेस्ट में इतने ट्रीज हैं और इतने कट हो गए, तो हमें क्या करना होगा, रिमेनिंग ट्री निकालने, लेफ्ट ट्री निकालने, तो लेफ्ट ट्री निकालने के लिए हमें सबट्रैक्ट करना होगा। तो एक्चुअल के लिए हम एज इट इज सॉल्व करेंगे, एज इट इज सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 14,152। एस्टिमेटेड के लिए हमें राउंडेड ऑफ करना होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दो नंबर है, दो नंबर में पहले जो छोटा नंबर है वो देख लो कहाँ तक जा रहा है, 1000 डिजिट तक जा रहा है, तो हमें 100 नियरेस्ट 100 क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है, तो नियरेस्ट 100 राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1600 आएगा एंड यहाँ पर 15,800 आएगा, सबट्रैक्ट करने पर 14,200 आंसर आता है। तो दोनों में डिफरेंस देख लो, यहाँ पर 14,152 आ रहा है और यहाँ पर 14,200 आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं बी नंबर। बी नंबर में लिखा हुआ है, नेहा हैड रुपीज, इतने रुपीज इन अ बैंक एंड इतने विड्रॉ कर लिए, इतने डिपॉजिट कर लिए, फिर से भाई विड्रॉ किए तो ये माइनस करेंगे, अगेन डिपॉजिट किए हैं तो ये 18,300 हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये आप सभी देख लीजिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा, हम ये वर्कशीट ऐप पर अपलोड करेंगे जिसे आपको समझना है और अपने मैथ क्लास वर्क में नोट करना है। सी नंबर में क्या है, अ पैक ऑफ फाइल कंटेन इतने फाइल्स, 37 फाइल है, तो 56 पैक में कितने फाइल होंगे, एक पैक में 37 तो 56 पैक मींस 1 की वैल्यू दी हुई है, मोर की वैल्यू निकालनी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा, फिर उसे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 37 किसके राउंडिंग ऑफ है, 40, 56, 60 के, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 2400 आंसर आता है। इसके बाद हम 10 नंबर की तरफ आते हैं, फाइंड द एक्चुअल एंड द एस्टिमेटेड आंसर। 10 का ए में भी वही किया गया है जिसे आपको देखना है और समझना है, डी भी सेम है, डिवाइड करना है, ठीक है, जिसे आप सभी समझ लेंगे और करेंगे। तो 10 का बी सी जो है वो एस डब्ल्यू रजिस्टर में करना है, और जितने भी क्वेश्चन बस आते हैं उसे आपको मैथ्स एस डब्ल्यू में करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2 का एक्सरसाइज 2, एंड इसमें हम पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन के कुछ रूल्स एंड डिविजन के कुछ रूल्स। तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट इज, नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर सो प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। जब हम मल्टीप्लाई में जो नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं वो किसी भी ऑर्डर में करा सकते हैं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे 2 3 जा 6 होता है तो 3 2 जा 6 होता है। सेकंड रूल, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। जब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो वही प्रोडक्ट आता है। एंड थर्ड इज, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज 0। जब किसी भी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 10 तो पुट 10 आफ्टर द नंबर टू गेट द प्रोडक्ट। जब किसी भी नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 10 लास्ट में पुट कर देते हैं। सिमिलरली जब किसी भी नंबर में हम 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100,000 तो उसके बाद पुट एज मैनी जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट एज इन द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में जितने जीरो होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम 0 ऐड करते हैं। जैसे कि 15 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और 30 आ जाएंगे। हम डिवीजन के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1
द क्वेसेंट इज द नंबर इटसेल्फ। जब किसी भी नंबर में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वेसेंट है वो वही नंबर आता है। जैसे 500 में हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 500 आ रहा है। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वेसेंट इज 0। जब किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, आंसर 0 आता है। व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेसेंट इज 1। जब किसी भी नंबर में हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। जैसे 2 में से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 1 आ रहा है। एंड डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। और 5 नंबर रूल की तरफ आते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ है, इन डिविजन द ऑर्डर ऑफ नंबर कैन नॉट बी चेंज। डिविजन में हम नंबर के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम मल्टीप्लाई में कर सकते थे। जैसे कि 50 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा कि 2 में 50 से डिवाइड करें। एंड नेक्स्ट इज एक फॉर्मूला है जिसे आप सभी को लर्न करना है। जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में आंसर वेरीफाई करने के लिए बताया था, वैसे ये फॉर्मूला डिवाइड में आंसर वेरीफाई करने के काम आएगा। तो क्या है फॉर्मूला, क्वेश्चन इन टू डिविजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड। जैसे कि हम 4 को 17 में डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पर नंबर रिमेनिंग बच जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। जो आंसर आता है 4 वो क्वेश्चन कहलाता है, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है। तो 4 जो 16 प्लस 1 क्या आएगा, 17। तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, मीन्स हमारा डिवाइड सही है। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। अब एक्सरसाइज 2 में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन जो आप सभी को आता है। तो 4 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 53 से मल्टीप्लाई कराने, तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 10 से कराएंगे। तो जब 1 से हम नॉर्मली करा लेंगे, जब 10 से कराएंगे तो हम 10 लगाते हैं, जब 100 प्लेस से कराते हैं तो 20 लगाते हैं, 1000 प्लेस से कराते हैं तो हम 30 लगाते हैं। तो वैसा मैंने इसमें सीट में लिख दिया जिसे आप वर्कशीट पे पढ़ के और समझ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 नंबर, फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द कलर्ड बॉक्स। तो ये क्वेश्चन हमने पहले से सॉल्व कर दिया है, ठीक है, जिसे आप सभी समझ लीजिएगा। इसके बाद डी नंबर, जैसे कि यहाँ पर 6 आया है, तो ये हमने फिल किया हुआ है कि 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो इसके बाद कैरी कितना हो जाएगा, 3। अब 6 8 का कितना होता है, 48। 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 51। 51 का क्या आएगा, 1, और कैरी क्या आएगा, 5। अब 6 का हम किस में मल्टीप्लाई करें कि 5 ऐड करने पर 11 आना चाहिए। तो 6 1 जा 6 प्लस 5 11 होता है, मींस 1 में मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर 8 6 जा कितना होता है, 48। 48 का 8 कैरी 4। 8 8 जा 64। 64 प्लस 68 कैरी 6। फिर 8 1 जा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लेस है तो 20 लिखेंगे, ये क्या आएगा, 6 8 1। अब ऐड करेंगे तो 6 8 1 क्या आएगा, 9। 8 1 9, 9 प्लस 6 कितना आएगा, 15 का 5 कैरी 1। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 कितना होता है, 14 का 4 कैरी 1, और 1 1 क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद 3 नंबर, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, जैसे आप सभी कर लेंगे। 4 नंबर पे हम लोग आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम है। अ फार्मर प्लांट्स ट्रीज इन अ रो। एक रो में 640 प्लांट लगाता है तो 590 रो में कितना होगा, 1 की वैल्यू दी हुई है, 590 रो की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 की वैल्यू दी हुई है, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 640 में 590 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 377600। इसके बाद एक्सरसाइज 2 में 1 का सी, 2 का बी सी, 3 का बी डी और 4 का ए और सी मैथ्स एस डब्ल्यू में कंप्लीट करना है। थैंक यू।